लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बॉलीवुड के एक्शन हीरो और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेताओं में से एक हैं सनी देओल, जो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। जल्दी वो अपनी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। उनकी हालिया रिलीज वाली फिल्में हैं गदर 2। कैसे आजादी दिलाओगे तुम अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कटोरा लेकर घूमोगे। बाप और सूर्या, वेल आपको बता दें कि एक के बाद एक उनकी कई सारी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और दमदार एक्शन करते हुए वो फिर से नजर आएंगे। फिलहाल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन सुपरस्टारों में से एक माने जाते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सनी देओल ने अपनी शानदार फिल्मी सफर में कई सारी एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। उन फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है। सनी पाजी बॉलीवुड में अपनी दमदार डायलॉग और बेहतरीन अदाकारी के लिए काफी मशहूर। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। रह चुके हैं, लेकिन जितना गुस्सा उन्हें फिल्मों में करते हुए देखा जाता है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा तो उन्हें रियल लाइफ में भी आता है। अगर सातों एक बाप के हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। यही वजह है कि वो अपने गुस्से की वजह से कई सारी बड़ी बड़ी हस्तियों से पंगा ले चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम आपको इंडस्ट्री के उन बड़े सुपरस्टारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी दुश्मनी सनी पाजी के साथ आज भी है। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी पाजी के पास जो बड़े दुश्मन माने जाते हैं आज इनके बारे में हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है आमिर खान का। वैसे तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका सामना सनी देओल के साथ हो चुका है। सनी पाजी और आमिर खान के बीच एक ऐसा विवाद हुआ जिसके चलते आज भी दोनों सुपरस्टारों के रिश्ते ठीक नहीं हुए हैं। आज भी सनी देओल आमिर खान से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सनी पाजी और आमिर खान के बीच 31 साल से कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों की दुश्मनी का कारण है उनकी फिल्मों की रिलीज डेट। दरअसल एक बार सनी पाजी की घायल और आमिर खान की फिल्म दिल साथ में रिलीज हुई थी। आमिर खान ने सनी पाजी से गुजारिश की कि वो अपनी फिल्म घायल की रिलीज डेट को थोड़ा आगे बढ़ा दे। सनी पाजी ने आमिर खान की वो बात मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तब से ही दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है। सनी देओल और आमिर खान के बीच में बात सिर्फ यही नहीं थी, आने वाले समय में एक बार फिर से ऐसा हुआ जब सनी देओल की फिल्म गदर और आमिर खान की फिल्म लगान एक साथ रिलीज हुई। इन हिंदुस्तानियों को गोली छोड़ाएंगे आप लोग, हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इन दोनों फिल्मों का कलेक्शन काफी ज्यादा शानदार रहा। गदर जहां एक एक्शन से भरपूर फिल्म थी, वहीं लगान फिल्म में आमिर खान की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिली थी। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनके होठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है। अब आमिर खान को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। आमिर खान की जगह सनी पाजी को फिल्म गदर के लिए ये अवार्ड मिल गया। और इस बस बहुत हो गया, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता। बात से खफा होकर आमिर खान ने कसम खा ली कि वो कभी भी किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाएंगे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है सुपरहिट एक्टर शाहरुख खान का, जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। खबरें रही हैं कि फिल्म डर में शाहरुख खान को सनी देओल से ज्यादा तारीफ सुनने को मिली थी, जिसकी वजह से सनी देओल को काफी गुस्सा आ गया और ये गुस्सा उन्होंने अपनी जीन्स की जेब को फाड़ कर उतारा था। बात तो ये रही थी कि इस फिल्म में सनी देओल
बिल्कुल पॉजिटिव किरदार निभा रहे थे जबकि शाहरुख खान नेगेटिव रोल में थे। पहरों का शहर है ये, पत्थर है सबके साथ। बावजूद इसके उन्हें सबसे ज्यादा व्यूज मिले थे। इस लिस्ट में अगला नाम है अजय देवगन का। फिल्म इंडस्ट्री में अजय देवगन को कम बोलने की वजह से जाना जाता है। उनकी और सनी देओल के बीच एक फिल्म दुश्मनी का कारण बनी। खबरों की माने तो लीजेंड ऑफ भगत सिंह में सनी चाहते थे कि उनके भाई बॉबी देओल को कोई अच्छा रोल मिले, लेकिन अजय देवगन ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसके बाद सनी देओल और अजय देवगन के बीच में अनबन हो गई थी। लेकिन जब अजय देवगन के पिता यानी कि वीरू देवगन का देहांत हुआ, तब सनी देओल गुस्सा भूलकर अपने भाई के साथ मिलने उनके घर गए थे। और आज अजय देवगन सनी देओल के बेटे करण देओल को अपने प्रोडक्शन के तले एक बड़ी फिल्म का ऑफर दे चुके हैं और ये एक साउथ की फिल्म है। लेकिन एक वक्त ऐसा रहा है जब अजय देवगन और सनी देओल के बीच में काफी झगड़ा और गुस्सा देखने को मिला है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर हम बात करते हैं अक्षय कुमार की। सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर जमकर बहस हो चुकी है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक बार शूटिंग करते वक्त रवीना ने सनी को बताया था कि कैसे अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया था। अक्षय के साथ ब्रेकअप की कहानी बताते हुए रवीना टंडन सनी के सामने फूट फूट कर रोने लग गई थी। रवीना को रोता देख कर सनी बाजी खुद पर काबू खो बैठे और अक्षय कुमार के पास वो लड़ने पहुंच गए थे। तभी से दोनों के बीच में बातचीत सालों से बंद है। दोनों के बीच हाथापाई की खबरें भी सामने आई थी और काफी लंबे वक्त तक ये खबरें सुर्खियों का हिस्सा बनी थी और एक बड़ी कंट्रोवर्सी में भी बदल गई थी। इस लिस्ट में आखिरी नाम है अनिल कपूर का। अनिल कपूर और सनी देओल के बीच में दुश्मनी की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। अनिल कपूर और सनी बाजी के बीच दुश्मनी भी एक फिल्म से शुरू हुई थी। दरअसल फिल्म जोशीली की रिलीज के दौरान क्रेडिट में सनी देओल से पहले अनिल कपूर का नाम दिया गया था, जिसे देखकर सनी पाजी काफी भड़क गए थे। उसके बाद सनी देओल और अनिल कपूर को फिर से फिल्म राम अवतार में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में एक सीन था जहां पर सनी देओल को अनिल कपूर का गला दबाने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन सीन में सनी देओल को अनिल कपूर के साथ हुई सारी बातें याद आ गईं और वो सच में अनिल कपूर का गला दबाने लगे और ये देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जा। अनिल कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके बाद वो कभी सनी देओल से बातचीत ही नहीं कर पाए। वेल दोस्तों, सनी पाजू के इस गुस्से के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और सनी पाजू के इन दुश्मनों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।